हेलो फ्रेंड दिस इज द सेकंड चैप्टर ऑफ जोग्राफी इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द लैंड रिसोर्सेस। इन दिस वीडियो डिस्कस अबाउट द सॉयल यानी हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे कि किस तरीके से जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं डिफरेंट लैंड एंड सॉयल हम लोग लैंड के बारे में डिस्कस किए नेक्स्ट इज वी डिस्कस अबाउट द सॉयल दॉयल इज अ द इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज विच इज द एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहने का मतलब सॉयल जो होता है मोस्ट टॉप लेयर जो अपर लेयर ऑफ द क्रस्ट जो होता है उसको हम लोग सॉयल कहते हैं यानी हमने जमीन की सबसे ऊपरी जो परत होती है जो लेयर होता है उसको सॉयल कहा जाता है इट्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑल बिकॉज इट्स ऑल्सो ऑल्सो हेल्प टू ग्रो ऑल नेचुरल वेजिटेशन देर आर इट्स फ्रॉम द Topmost layer or crust of the Earth's surface is taken thousands of sometime millions of years form. It formed the interaction of physical uh, factors like weathering rocks, effect of rains, wind and temperature, biological components like plants and animals. कहने का के मतलब जो सॉइल होता है जो अपर अपर मोस्ट लेयर जो होता है उसको बनने में बहुत थाउजेंड मिलियंस ऑफ इयर्स लग जाते हैं लाखों हजारों साल लग जाते हैं और ये ज़्यादातर बनते हैं जो नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं सपोज द रॉक्स होते हैं अदरवाइज तो प्लांट्स होते हैं एनिमल्स होते हैं उनके जो डिकॉम्पोनेन्ट्स जो प्रोडक्ट होते हैं जिसके थ्रू ये सॉइल का फॉर्मेशन होता है इसमें स्पेशली रोल प्ले करते हैं रॉक्स रेन विंड्स टेम्परेचर यानी देखा जाए जब हवा के द्वारा या बारिश बहुत ज्यादा होती है या टेम्परेचर के थ्रू टेम्परेचर टेम्परेचर के थ्रू जब जो जो नेचुरल्स जो नेचर, प्लांट्स एनिमल्स जो होते हैं वो जो सड़ गल जाते हैं जिसके से वो सॉयल में चेंज हो जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज द लेयर ऑफ यानी जो हम लोग देखते हैं उसके डिफरेंट लेयर होते हैं जमीन ऊपर से लेकर जमीन तक के नीचे में ये डिफरेंट लेयर पाए जाते हैं जैसे पहला दे रहा है लेयर यदि देखा जाए तो टॉप सॉयल यानी सबसे ऊपर जो हमको एक तरह से जो सॉइल मिलता है एक तरह से फाइन सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उसको टॉप सॉइल कहते हैं नेक्स्ट इज दर्ब सॉइल एंड एंड नेक्स्ट इज द वेदर रॉक्स फ्रेगमेंट यानी रॉक्स के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं एंड लास्ट फाइनली हार्ड सॉयल यानी बेड रॉक्स होते हैं यानी देखा जाए इस तरीके से असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों तरफ से आप देखते हैं तो uh, soil के डिफरेंट लेयर होते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ सॉइल स्टूडेंट सॉयल बेसिकली सिक्स टाइप ऑफ होते हैं एलिवेल सॉयल ब्लैक सॉयल रेड सॉयल डेजर्ट सॉइल एंड माउंटेन फर्स्ट इज द एलि फर्टिलाइजल फॉर्म बाई क्लेंड एंड डेल्टा रीजन इसको देखा जाए तो ये सॉइल जब रिवर्स या वाटर जो फ्लो करके जो मिट्टी लाती है उसके थ्रू होता है स्पेशली फ्लडेड टाइम यानी बाढ़ के टाइम जब बारिश होता है तो बहुत ज्यादा पानी हमारे आसपास ये गैदर करते हैं और ये जमा हो जाते हैं जिससे कि यहाँ पर जो मिट्टी होती है जो कीचड़ होता है वो जमा हो जाता है और एक न्यू सॉइल का लेयर फॉर्मेशन होता है जिसको सॉइल कहते हैं इस मोस्ट फर्टाइल सॉयल और जो नॉर्दर्न प्लान है नॉर्दर्न प्लान मीन्स पंजाब उत्तर प्रदेश बिहार का जो एरिया है जो इसको नॉर्दर्न प्लान के नाम से जानते हैं और यहाँ पर जो बड़े बड़े रिवर्स है सपोज दैट यमुना गंगा या ब्रह्मपुत्र अदर जो रिवर्स है जिसके थ्रू एलुवेल्स सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है मोस्ट फर्टाइल लैंड ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो नेक्स्ट ब्लैक सॉइल द ब्लैक इज इज कलर ये स्टिकी एंड वीट होता है जैसे ब्लैक सॉइल जो एक तरह से देखा जाए ये सॉइल जो होता है कलर ब्लैक कलर में होता है और ये स्टिकी होता है नहीं चिपचिपा होता है और ये वीट होता है देखा जाए इट्स क्रैक इजिली वैन ड्राई एंड रिटेन मॉइस्चर ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है मॉइस्चर भी हो जाता है जब ये ड्राई होता है इसमें क्रैक भी क्लियर दिखाई देते हैं इट्स द मोस्टली फाउंड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पेनसुला इंडिया ये स्पेशली नॉर्थ वेस्ट यानी जो साउदर्न इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पाया जाता है स्पेशली पंजाब कर्नाटका एंड मध्य एमसम पार्ट ऑफ एमपी महाराष्ट्र ये सॉइल जो होता है ये इससे कॉटन के ग्रो में बहुत ही ज्यादा ये अच्छा होता है और इसलिए इसको देखा जाए तो कॉटन सॉयल या रेगुड सॉइल के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट इज द रेड सॉइल इट्स रेडिस इन कलर ड्यू टू हाई आयरन कॉन्टेंट रेड सॉइल होता है ये तरह से रेड कलर में होता है क्योंकि इसमें आयरन का जो आयरन मिनरल्स जो होता है वो बहुत ज्यादा इसमें पाए जाते हैं इट्स कोर्स एंड पॉलिस एंड डज नॉट रिटेन मॉइस्चर इज लार्जली फाउंड इन ईस्टर्न डेक्कन प्लेट ये ज्यादातर जो ईस्टर्न पार्ट है डेक्कन डेकन प्लेट्यू स्पेशली उड़ीसा आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु यहाँ पर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं नेक्स्ट इज द लेट्राइड सॉइल लेटराइड इज लेस फर्टाइल एंड इज दल्सो कॉल्ड द ब्राउन एंड येलो साइल मेनली फाउंड इन द हाईली वेस्टर्न घाट एक तरह से लेट फर्टाइल होता है लेट फर्टाइल मतलब ये बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होता है ग्रो ये प्लांट्स वेजिटेशन के ग्रो के लिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है यूजफुल नहीं होता है स्पेशली वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं इसको देखा जाए तो नेक्स्ट डेज़र्ट सॉयल इट सैंड, लाइक द कोर्स होता है एक तरह से देखा जाए तो ये जो ड्राई एरिया होता है यानी जहां पर बारिश बहुत कम होती है इस, इस टाइप के सॉइल पाए जाते हैं स्पेशली राजस्थान एंड गुजरात जैसे कि इसमें आप लोग जानते हैं रेगिस्तान में जिस तरीके से सॉइल होता है जो कोर्स सॉयल होते हैं नेक्स्ट इज द माउंटेन साइल माउंटेन साइल नाम से ही क्लियर होता है कि माउंटेन एरिया में पाए जाते हैं यह हाई फर्टाइल होते हैं और गुड अमाउंट ऑफ ह्यूम होते हैं इट्स कलर विथ ये एक तरह से बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं स्पेशली कॉफी टी इन सब के वेजिटेबल्स के ग्रो के लिए मिलनी फाउंड ये जम्मू कश्मीर और हिमालय रीज़न्स में पाए जाते हैं स्टूडेंट अभी तक हम लोगों ने देखा कि सॉइल क्या होता है सॉइल के लेयर क्या होते हैं सॉइल कितने टाइप्स के होते हैं इसमें हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इज द डिग्रेडिएशन ऑफ सॉइल जो पॉल्यूटेड होता, होता है वो क्यों होता है उसके क्या कारण है यहाँ पर एक डिफिनेशन भी दे रहे थे व्हाट इज सॉयल इरोजन इट्स मींस रिमूवल ऑफ टॉप सॉयल फ्रॉम लैंड ड्यू टू नेचुरल कॉजेस लाइक फ्लड्स ओशियन वेव्स ग्लेशियर विंड एंड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज कहने का मतलब सॉयल इरोजन एक वो नेचुरल प्रोसेस है जिसके थ्रू जो उसका अपर लेयर होता है वो एक तरह से वो रिमूव हो जाता है यानी एक जगह से दूसरे जगह वो चला जाता है आप लोग ये देखे भी होंगे जब बारिश होता है या हवा जब तेज चलती है तो इसके थ्रू जो सॉयल का जो अपर लेयर होता है वो एक तरह से रिमूव होता है जिसको की सॉयल इरोजन कहते हैं कॉजेस ऑफ सॉइल इन अब देखा जाए तो इसके क्या रीजन होते हैं फर्स्ट तो होते ह्यूमन एक्टिविटी ने टॉप लेजेस ऑफ सॉइल इन ह्यूमन एक्टिविटी ऑल्सो द कटिंग ऑफ प्री डिफॉरिस्ट्रेशन ओवर ग्रेजिंग रिमूव द प्लांट कॉवर रेन फॉलिंग ऑन अपूटेड टॉप सॉइल इोड द सॉइल एज इट कैन नॉट होल्ड वाटर यानी देखा जाए तो नेचुरल कॉजेज बीन बहुत ज्यादा तेज चलती है या पानी के थ्रू या अदर रीजन नेचुरल रीजन्स के थ्रू भी सॉइल का यूजन होता है साथ साथ ह्यूमन एक्टिविटीज ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करते हैं तो ह्यूमन जब एग्रीकल्चर प्रोसेस या कोई डेवलपमेंट वर्क करता है या माइनिंग होता है साथ साथ देखेंगे तो ट्री को जब हम काट देते हैं तो क्या होता है कि सॉयल जो होता है इजिली रिमूव होता है इससे से देखा जाए तो ये डिफरेंट कॉरेज होते हैं सॉइल इरोजन्स के नेक्स्ट टॉपिक मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन स्टूडेंट हम लोगों ने डिस्कस किया कि सॉइल मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तरह से रिसोर्सेस होता है क्योंकि जितने भी नेचुरल वेजिटेशन होते हैं उसके ग्रो करने में हेल्प करता है तो जब सॉइल का इरोजन हो रहा है यानी सॉइल जब पॉल्यूटेड हो रहा है तो उसको कैसे सेव किया जाए ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो सॉइल कॉन्जर्वेशन कैन बी डन बाय एडेप्टिंग फॉलोइंग मेथड जिसके डिफरेंट मेथड होते हैं जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मेथड जो होता है उस पर डिस्कस करेंगे जैसे पहले दे रहे हैं एफॉरेस्ट्रेशन सॉइल इरोजन कैन बी चेक बाई प्लांटिंग मोट्रीज रूट ट्रीज होल्ड सॉइल कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर यानी देखा जाए तो हम प्लाट इेस्टेशन मतलब ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्लांटेशन करते हैं तो इससे हम लोग सॉइल इरेजन को रोक सकते हैं नेक्स्ट मल्चिंग यानी यहाँ पर दे रहे बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर विद ड्रॉप रेसिस्टेंट ग्रासेस यानी देखा जाए वो एरिया जहां पर की वेजिटेशन नहीं है स्पेशली जो बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं उसके बीच के जो एरियाज होते हैं उसपे हम लोग डिफरेंट ग्रासेस वगैरह ग्रो करवा के और इस तरीके से सॉइल को इोजन से रोक सकते हैं नेक्स्ट इज द कॉन्ट्योर बैरियर्स यानी देखा जाए अलोंग द कॉन्टीअर रीजन स्टोन ग्रास एंड अदर प्लांटेशन आर यूज एज बैरियर्स दिस रिड्यूस द फ्लो ऑफ वाटर फर्दर स्ट्रेंच एंड मेड द फ्रंट ऑफ बैरियर्स इज कलेक्ट वाटर यानी कहने का मतलब एरिया जब कोई जमीन या कोई ऐसे एरियाज होते हैं जिसके आसपास यदि हम लोग बॉर्डर एरियाज में हम लोग बैरियर्स बनाते यानी स्टोन के थ्रू बैरियर्स बना देते हैं जिससे कि वाटर क्या होता है फ्लो नहीं होता है और वो फ्लो जब वाटर फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा सॉइल भी फ्लो नहीं होगा सोइल का भी इरोजन नहीं होगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वाटर इज मेन कॉजेस ऑफ सोइल इरोजन और इसके थ्रू हम लोग उस सोइल इरोजन को रोक सकते हैं स्पेसिफिक एरिया में स्पेशली जो ड्राइड एरिया होता है सपोज दैट गुजरात एमपी और राजस्थान रॉक डैम हम लोग जो डिफरेंट छोटे-छोटे रॉक डैम भी बना सकते हैं जिसके थ्रू भी हम लोग पानी को तो रोक सकते हैं सोइल इरोजन को भी रिड्यूस कर सकते हैं ट्रेस फार्मिंग इज द दिली एर स्टेप आर द बिल्ड ऑन टू द साइड ऑफ हिल्स और माउंटेन फार्मिंग कहने का मतलब ये माउंटेन में एरिया रिजन को रोकने का एक मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड होता है यहाँ पर ट्रेस यानी एक तरह से देखा जाए स्टेप बाय स्टेप यानी सीढ़ी नुमा खेत बनाते हैं जिससे कि हम लोग खेती कर सकते हैं जैसे यहाँ ट्रेस फार्मिंग दिखाई भी दे रहा है पिक्चर में नेक्स्ट मेथड इज द कॉन्ट्यूर प्लॉगिंग इट रिफर टू डूइंग प्लॉगिंग पैरेलल टू कॉन्ट्यूर ऑफ स्लीप हिल स्लोप यानी जो यानी जो स्लोप होता है उसके पैरेलल हम लोग यदि प्लॉगिंग करते हैं यानी जोतते हैं खेत को या जमीन को तो इससे भी वाटर फ्लोइंग को धीमा कर सकते हैं नेक्स्ट इज द सेल्टर बेल्ट इज द ड्राई एंड एरिड्स एरिया विंड ब्लो अवे टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल स्पेशली ड्राई एरियाज में होता है क्या है जो विंड होता है सॉइल को इरोज करके हवा बहुत तेज चलती है जिससे कि जम जो रेत होता है जो सॉइल होता है वो एक एरिया से दूसरे एरिया तक उड़ के जाते हैं इसको रोकने के लिए हम लोग एक तरह से देखा जाए तो ज्यादातर एरियाज में एक लाइन से हम लोग ट्रीज लगा सकते हैं बड़े बड़े ट्रीज लगा सकते हैं जिससे कि जो विंड की जो स्पीड है उसको रोक सकते हैं विंड की स्पीड को रोकेंगे तो हम लोग सॉइल को जो इरोज है उसको भी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं थोड़ा स्लो तो कर सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्पेशली ड्राई रीजन में राजस्थान पंजाब के जो बॉर्डर एरियाज है वहां इस तरीके से मेथड से यूज करके सॉइल इरेजन को रोका जाता है देन स्टूडेंट टूडे भी डिस्कस द अनदर इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस अबाउट सॉयल के बारे में एलुबल सॉयल ब्लैक सॉइल रेड सॉयल लेट्रायर सॉइल डेजर्ट सॉइल एंड माउंटेन सॉयल सॉयल इरोजन कॉलेज ऑफ सॉयल इरोजन एंड मैथड ऑफ सॉइल इरोजन नेक्स्ट वीडियो द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर अबाउट वाटर विथ दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज पोर्सन एज होमवर्क आज मैं आपको होमवर्क के रूप में सम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ जो वन टू सेवन तक जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है उसको कम्प्लीट कीजिए और सबमिट कीजिए देन थैंक यू